बढ़ रही कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की हिदायत दी जा रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से मास्क न लगाए जाने के कारण एक सर्राफा व्यापारी को पुलिस द्वारा पीटे जाने की खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश पुलिस की इस गुंडागर्दी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सर्राफा व्यवसायी को पुलिस अधिकारी द्वारा दुकान से खींचकर बाहर लाया गया और उसे बुरी तरह पीटकर अपराधी की तरह पुलिस जीप में बिठाकर थाने ले जाया गया। इस घटना की सूचना मिलते ही आसपास के दुकानदार भी वहां पर इकट्ठे हो गए। पुलिस कर्मियों की इस शर्मनाक हरकत पर विरोध जताते हुए नाराज में व्यापारियों ने पूरा सर्राफा बाजार बंद कर दिया। थोड़ी ही देर में भारी तादाद में व्यापारी मिलकर कोतवाली पहुंच गए, जहां धरना दिया, जिन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। घटना की वीडियो को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि आजमगढ़ में एक सर्राफा व्यापारी से मास्क न लगाने पर पुलिस ने जो हाथापाई व बदसलूकी की है वो निंदनीय है। इससे व्यापारी समाज में आक्रोश फैल गया है। मास्क न लगाने पर जुर्माना वसूलने की जगह मारपीट का अधिकार क्या चुनावों में बिना मास्क की रैली करने वाले स्टार प्रचारक जी ने दिया है। गौरतलब है कि एक तरफ योगी सरकार कोरोना संक्रमण का हवाला देकर लोगों को इससे जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर मारपीट करने पर उतारू हो चुकी है, वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करते हुए बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कोरोना से जुड़े नियमों का उल्लंघन होने पर भी किसी को कोई आपत्ति नहीं है। Thank you.